नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर करियर कल्टीवेशन के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेज के क्लासिफिकेशन की। देखिए, जो 7 प्रकार की स्पीसीज है मेज की, यहाँ से अक्सर हर एक एग्जाम में, चाहे हम कृषि पर्यवेक्षक की बात करें, सहायक कृषि अधिकारी की बात करें, कृषि अधिकारी या फिर राजस्थान प्रीपीजी की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। या तो हम अक्सर इनको कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो दो ऑप्शन में जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी का सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। 7 प्रकार के जो मक्का है, इनके 7 प्रकार के वर्गीकरण को हम अच्छे से याद करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेज का टाइप है वो है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न और फ्लिंट कॉर्न जो है, इन दोनों को हम साथ याद करेंगे। देखिए, डेंट कॉर्न जो होता है, सभी में जिया मेज की स्पीसीज है, हम सभी को पता है, इसलिए जिया मेज को एक बार हम छोड़ेंगे, आगे का जो पोर्शन है उसे याद करेंगे। देखिए, जिया मेज डेंट कॉर्न जो है, डेंट कॉर्न का नाम होता है जिया मेज इंडेन टाटा। देखिए, जिया मेज इंडेन टाटा, इसको हम ऐसे याद करेंगे। देखिए, डेंट का मतलब, जैसे डेंट होता है ना, डेंटल हॉस्पिटल होता है, डेंट का मतलब होता है दांत। ऐसे हम डेंट शब्द इसमें आ रहा है, इसमें भी डेंट, देखिए डेंट यहां से हम लेना, तो डेंट शब्द इसमें भी आ रहा है, डेंट। तो ये दोनों मेज हो जाएंगे। डेंट कॉर्न में आपको ढूंढना है, डेंट जरूर आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा जो फ्लिंट कॉर्न होता है, इसी का नाम इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका नाम है इंडुराटा। जी अमेज इंडुराटा, तो पहला हो गया जी अमेज इंडेन टाटा। देखिए, इंडेन टाटा से हमने डेंट को पकड़ा, तो डेंट कॉर्न हो गया। फ्लिंट कॉर्न जो होता है, इसमें इंडुराटा आएगा। तो इन दोनों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे वाले में ऐसे याद करवा दूंगा कि ये कंफ्यूज का अवसर ही नहीं देंगे आपको। स्वीट कॉर्न, देखिए स्वीट का मतलब होता है मीठा, और एक मटेरियल आता है सेकेरिन के नाम से। सेकेरिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शुगर से 600 से 700 गुना ज्यादा मीठा मटेरियल होता है, स्वीटेस्ट शुगर होती है, जिसे सेकेरिन बोला जाता है। तो यहीं से हम याद करेंगे, स्वीट कॉर्न जो है, इसका नाम होता है जिया मेज सेकेराटा। देखिए, स्वीट का मतलब भी मीठा होता है, और सेकेरिन का काम भी क्या होता है, मीठी चीज को मीठा बनाना। तो सेकेरिन जो होता है, ये स्वीटेस्ट शुगर होती है, इसलिए सेकेराटा में क्या आएगा, स्वीट कॉर्न। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न। देखिए, ये जो है, ये सबसे पॉपुलर स्पीसीज है। पॉपकॉर्न जो है सबसे पॉपुलर स्पीसीज है, जिसे हम जिया मेज इवर्टा बोलते हैं। और पॉपकॉर्न हम सब यूज में भी लेते हैं, खाते भी है, जब मूवी देखने के लिए हम जाते हैं तो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं। तो पॉपकॉर्न से हम ऐसे याद करेंगे यूवर्टा को। देखिए, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और इनमें से कोई आपको याद हो या ना हो, ये तो एवरी स्टूडेंट को, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को याद होता है कि पॉपकॉर्न जो है ये देखे हुए भी है, इसलिए एवरी स्टूडेंट को यूवर्टा तो याद रहता है। तो यूवर्टा से हम याद रखेंगे कि एवरी स्टूडेंट को यूवर्टा याद रहता है, और सभी को पता है किसका होता है, पॉपकॉर्न का। देखिए, पॉपकॉर्न ही इनमें से ऐसा मेज है जो हम सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न। देखिए, सॉफ्ट कॉर्न को क्या, फ्लोर कॉर्न भी कहा जाता है। देखिए, सॉफ्ट कॉर्न को हम याद करेंगे ऐसे कि मलेशिया जो है, मलेशिया एक कंट्री है, तो वहां से हम याद करेंगे कि जी अमेज ए मलेशिया। तो इसमें मलेशिया शब्द को हमें पकड़ना है, और ये याद करना है कि मलेशिया की जो क्वीन है, मलेशिया की जो रानी है, वो क्या है, सॉफ्ट है। मलेशिया की रानी क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट कौन किसका नाम हो जाएगा, जी एम एच ए मलेशिया, जी एम एच ए मलेशिया क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कौन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसी का दूसरा नाम फ्लोर कौन है। फ्लोर का मतलब होता है आटा, और आटा जो होता है वो सफेद होता है, और यही क्वीन या जो रानी है उसी से हम स्वीट कॉर्न या ये फ्लोर जो है आटे को भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है वैक्स कॉर्न। देखिए, वैक्सी कॉर्न जो होता है, इसका नाम होता है जिया मेज सेरेटिना। देखिए, इसमें से हम टीना शब्द को पकड़ेंगे, टीना एक बालिका का नाम है ऐसे समझिए, और इसमें से हम वैक्स शब्द को पकड़ेंगे। देखिए, वैक्स क्या होता है, वैक्स का मतलब होता है जैसे हम बॉडी से हेयर को रिमूव करते हैं तो उसे वैक्स बोलते हैं। तो टीना नाम की कोई बालिका है जो क्या है कि ब्यूटी पार्लर में क्या किसके लिए गई है, वैक्स के लिए गई है। तो इसलिए वैक्सी कौन से हम क्या याद करेंगे, जियामेज सेरेटिना। और टीना का संबंध किससे है, ये वैक्स करवा रही है, तो टीना वैक्स कौन करवा रही है, टीना। नेक्स्ट है पोड कौन। देखिए, पोड शब्द जो है, पोड का मतलब होता है फली,
जैसे जो भी लेग्यूम क्रॉप होती है उनमें फ्रूट का टाइप होता है वो होता है पोड। तो जब फली जो होती है उसमें फली पक जाती है उस टाइम में हम उन्हें क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग को हम हिंदी में काटना बोलते हैं। तो ऐसे हम रिलेट करते हैं कि कोई पड़ोसी अगर हमें पूछता है कि आपने अभी तक मोट की जो फली है, पोड जो है, इन्हें काटा क्यों नहीं, तो हम उन्हें समझाते हैं कि अभी क्या कि हार्वेस्टिंग की स्टेज नहीं है ये, थोड़े दिन बाद में इसे काटेंगे। तो जैसे पड़ोसिया के आपको क्या पूछ रहा है कि आपने पोड को क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं काटा से हम याद करेंगे पोड कौन का नाम होता है, जियामेज ट्यूनी काटा, ट्यू नी काटा, ठीक है, ट्यूनी काटा से रिलेट कर सकते हो ना आप। क्यों नहीं काटा, क्योंकि अभी तक पकी नहीं है फसल, इसलिए नहीं काटा। किसको नहीं काटा, पोड को। पोड क्या है, पोड जो होती है फली को बोला जाता है लेग्यूम क्रॉप्स में। फिर से एक बार हम रिकैप लेते हैं और फास्टली रिवाइज करते हैं। एक सबसे पहले हमने बात की डेंट कॉर्न की। डेंट कॉर्न में डेंट शब्द आ रहा था और इस डेंट डोमिनेंट शब्द को मैंने पकड़कर इंडेंट काटा याद किया। नेक्स्ट जो फ्रिंट कॉर्न की बात की, फ्रिंट कॉर्न इसी से रिलेट था, इसलिए ये दोनों ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमने याद किया कि डेंट कॉर्न से इंडेंट काटा का डेंट हट जाएगा, इसके बाद में जो बच जाएगा वो इंडोराटा आएगा। स्वीट कॉर्न में हमने बात की कि सिकेरिन जो होती है वो एक स्वीटेस्ट शुगर होती है, जो सामान्य शुगर होती है उसे 600 से 800 गुना तक ज्यादा मीठी होती है। और इसे हमने याद किया कि स्वीट कॉर्न जो होती है इसका नाम जियामेज सेकेराटा। नेक्स्ट जो है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न हम सभी जानते हैं जिन्हें खिले बोले जाता है, खिले पॉपकॉर्न जो होते हैं, पॉपकॉर्न सभी को, हम सभी को याद है, इसलिए एवरी से हम याद करेंगे इवर्टा, जियामेज इवर्टा जो है ये पॉपकॉर्न का है। सॉफ्ट कॉर्न को हमने याद किया कि मलेशिया की रानी क्या है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट कॉर्न को एमाइलेसिया, जियामेज एमाइलेसिया। वैक्सी कॉर्न को हमने याद किया कि टीना जो है वो ब्यूटी पार्लर जाती है और वैक्स करवाती है, इसलिए हमने क्या याद किया, वैक्स कॉर्न जो है, वैक्सी कॉर्न उसका नाम क्या होगा, जियामेज सेरिटिना। नेक्स्ट है पोड कॉर्न, पोड कॉर्न का मतलब पोड जो होती है वो फली को बोलते हैं, इसलिए पोड क्यों नहीं काटा, ट्यों नहीं काटा। तो उम्मीद करता हूं